প্রাসঙ্গিক নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ ৰঙিয়া মাণ্ডলিক ৰেল প্ৰবন্ধক ভি এ মালেগাঁওকাৰৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে পম্পী দেৱীয়ে। নমস্কাৰ শ্ৰোতাও, প্ৰাসংগিক প্ৰগ্ৰামে আপ লোগোঁ কা স্বাগত হে। आज हमारे साथ है पूर्वोत्तर रेल के रंगिया डिवीजन का डिवीजनल रेलवे मैनेजर वी ए मालेगांवकर। मालेगांवकर जी, प्रासंगिक प्रोग्राम में आपका स्वागत है और साथ ही नया साल मुबारक हो आपको। आप सभी को भी नया साल मुबारक हो। जी शुक्रिया। पहले हम पूछना चाहेंगे कि रंगिया डिवीजन के कुछ रेलवे ट्रैक्स पर 11 जनवरी से कुछ ओवरहेड ट्रैक्शन वायर्स लगाने वाले हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि ये वायर्स आखिर क्या है और इससे लोगों को क्या खतरा हो सकता है। ये रंगिया मंडल का जो न्यू बोंगईगांव स्टेशन से कामाख्या स्टेशन तक का वाया रंगिया जो मार्ग है और दूसरा जो वाया गोलपाड़ा, ऐसे दो मार्ग है, उनके विद्युतीकरण का यानी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। इसी सिलसिले में रंगिया मंडल के बंगई गांव से लेके सरूपेटा तक का जो खंड है वहां पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है वो अभी एंटी चार्जिंग के लिए रेडी है। मतलब वो उसमें 2.2 किलो वोल्ट का सप्लाई अभी चालू कर दिया जाएगा और उसके बाद जो सरूपेटा से आगे का केंदुकोना तक का खंड है भी ये कुछ दिनों में 2.2 केवी का सप्लाई उसमें चालू किया जाएगा। इसको रेलवे की परिभाषा में हम लोग एंटी थेफ्ट चार्जिंग ऐसा कहते हैं। अभी इस पे विद्युत इंजन के साथ ट्रेनें नहीं चलेगी, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसमें चोरी वगैरह की घटना ना हो इसके लिए ये एंटी थेफ्ट चार्जिंग अभी करने जा रहे हैं। और मैं हमारे श्रोताओं से विनंती करूंगा कि अब ये वायर जो है इसमें बिजली चूंकि है तो इस वायर के इर्द गिर्द किसी को आना नहीं है। उस वायर से 2 मीटर तक की दूरी बनाए रखनी है क्योंकि सेफ्टी के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे कर्मचारी भी इससे 2 मीटर की दूरी बनाकर ही अपना काम करेंगे। तो एंटी थेफ्ट चार्जिंग पूरी होने के बाद हमारी श्रोताओं से ये विनंती रहेगी कि ये ओएचई यानी ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर के आसपास कृपया ना जाए, इलेक्ट्रिक के खम्भों पर चढ़ने की या उसके इर्द गिर्द जाने की कोई कोशिश कृपया ना करे। ये मैं उनसे आग्रह करूंगा क्योंकि अब उसमें खतरा हो सकता है। मतलब बंगईगांव से सरूपेटा तक इस बीच जो रेलवे ट्रैक्स के पास जो लोग रहते हैं, सरूपेटा तक पहले हम बोंगई गांव से सरूपेटा तक करेंगे, फिर सरूपेटा से केंदुकोना तक करेंगे और बोंगई गांव से जोगी घोपा तक भी करेंगे। मतलब 11 जनवरी से बोंगई गांव से सरूपेटा तक होगा। हाँ, ये मतलब अभी कल से हमारा कोशिश है कि ये लाइन चार्ज हो जाए। जैसा मैंने बताया 2.2 किलो वोल्ट जिसको हम कहते हैं एंटी थेफ्ट चार्जिंग, इसकी सारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है और अभी बड़े पैमाने पर हमारे स्टेशनों पर हम लोग अनाउंसमेंट्स इसके बारे में कर रहे हैं और आज आपने भी ये ऑल इंडिया रेडियो पर ये बात बताने का हमें मौका दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभी आपने बोला कि अनाउंसमेंट की जा रही है और लोगों को इसके खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए रेलवे की तरफ से और कैसे कदम लिया गया है अभी तक? जो हम लोग जो है यहाँ पर हमारे जो मुख्य पीआरओ है एनएफ रेलवे के, उनके जरिए प्रेस में भी इसको बड़े पैमाने पर इसका वो कर रहे हैं, पब्लिक का पब्लिकेशन कर रहे हैं
और कल यहाँ पर रंगिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसके अलावा जो हमारे स्टेशन मैनेजर्स है वो लोकल प्रेस को और वहाँ के सारे संवाददाताओं को बुलाकर इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि वो हमारे सारे पैसेंजर्स तक और पब्लिक तक पहुँच सके। और एक बात पूछना चाहेंगे कि हमारे श्रोताएं भी जानना चाहेंगे कि कोविड सिचुएशन के बाद, मतलब इन पोस्ट कोविड सिचुएशन, रेल जी यात्रियों को रेल यात्रा के समय कैसी सावधानियां बरतनी जरूरी है, क्योंकि हमें भी पता है, सब लोगों को पता है कि COVID-19 का जो मतलब डर अभी भी है हमारे बीच में, तो सावधानियां कैसे बरतनी जरूरी है? इसके बारे में रेलवे ने एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलके एक SOP जारी किया है रेलवे की यात्रा कैसे करनी है। तो उसमें जो प्रमुख चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रिजर्वेशन के बिना आजकल किसी भी गाड़ी में प्रवेश नहीं मिलता, तो आपको रिजर्व टिकट पहले से निकाल के रखना होगा, अन्यथा आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। उसके बाद अब गाड़ियों में आपको लिनन यानी कि कंबल, चादर, तकिया इत्यादि चीजें अब मुहैया नहीं कराई जाती, तो आपको वो चीजें अपने साथ, अपनी वैयक्तिक ये चीजें लेके आना पड़ेगा सफर में। और खाने पीने की चीजें जो पेंट्री कार में पहले मिलती थी, अब सिर्फ ड्राई स्नैक्स और कुछ प्री पैकेज्ड मील्स इतना ही मुहैया कराया जा रहा है। तो यात्रियों को अपना भोजन भी यात्री साथ में रख सकते हैं या ई केटरिंग की सुविधा से ऑर्डर देके स्टेशनों पर मंगवा सकते हैं, लेकिन पेंट्री से अभी सीमित मात्रा में खाना पीना उपलब्ध है। इसके अलावा मास्क लगाना अनिवार्य है और आपके पास आरोग्य सेतु का भी ऐप आपके फोन पर डाउनलोड किया होना भी आवश्यक रहेगा। तो ये सारी सावधानियां बरतने के बाद आप जो गाड़ियां अभी चलाई जा रही उसमें सफर कर सकते हैं। जी, हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, आपने बताया था, जी तो आपने जो बोला कि बंगाईगांव से सरुपेता तक वो 11 जनवरी से होगा, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कब तक होगा, इसका कोई अंदाजा है? हमारा हमारा टारगेट है कि मार्च 2021 तक यानी अभी 31 मार्च तक बंगईगांव से लेके कामाख्या तक हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाए वाया रंगिया मार्ग का, और वहां पर वाया गोलपाड़ा मार्ग में बंगईगांव से लेके जोगी घोपा तक का हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन मार्च तक पूरा हो जाएगा। मालेगांव कर जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल के बीच भी हमें समय दिया और हमारे श्रोताओं को भी जागरूक किया, तो इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऑल इंडिया रेडियो का और आप सभी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। ইমান পৰে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ ৰঙিয়া মাণ্ডলিক ৰেল প্ৰবন্ধক ভি এ মালেগাঁওকাৰৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰ শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিলে পম্পী দেৱীয়ে। অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা আছিল মানস প্ৰতিম শৰ্মাৰ, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী প্ৰাসংগিক অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।